जिसके पास ऑयल था दे वो द किंग मेकर आज के टाइम में जिसके पास डेटा है दे आर द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड उस टाइम हमारे गल्फ नेशन बींग रिच इन रिसोर्स ऑफ ऑइल वो मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड आज के टाइम में हमारी टेक कंपनीज जिनके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड का डेटा है दे आर द मेजर इकोनॉमीज तो क्या हो गया ऐसा दैट दिस हैज आउट टू बी द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ द टाइम ये सब चीजें हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें जानेंगे सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट आई हैव डन माय ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स डेल यूनिवर्सिटी इसके बाद जो चीज़ भी मैंने पढ़ी थी उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए आई हैव वर्कड इन मिड साइज फर्म्स इन बिग फोर्स क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप प्रैक्टिकली काम ना करें तो आपको चीज़ों की इम्प्लीकेशंस नहीं पता चलती है सो आई गेन माई प्रैक्टिकल एक्सपोजर फ्रॉम द फर्म्स आई हैव वर्कड विद आई एम अ होल्डर ऑफ एन आई एस एम म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन एंड वेरी रिसेंटली इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन आई क्वालिफाइड यू पी एस सी प्रलिम्स एंड हैव रिटन माई मेन्स एग्जाम्स विद कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एज द ऑप्शनल दिस हैज़ बीन माई जर्नी सो फार एंड वॉट एवर लिटिल आई हैव लर्न अपने जर्नी में आज तक आई एम हैेयर विद यू ऑल टू गाइड यू इन योर जर्नी अड एज अ फ्रेंड एज अ टीचर एज अ काउंसिलर एंड एम श्योर वील हैव अ ग्रेट जर्नी इन दिस सब्जेक्ट एंड एंड वॉट एवर वे आई कैन हेल्प यू इन अदर सब्जेक्ट ऑफ यूर्स इज वे सो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं हमारा सी ए में न्यू सिलेबस ट्वेंटी ट्वेंटी इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है एंड दिस सिलेबस वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2023 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अगर आपके आसपास चेंज हो रहा हो ना ट्राई टू गेट टू द वाई ऑफ दैट कि ये चीज क्यों चेंज हुई है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी की वाई द सिलेबस हैज बीन चेंज हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में वी लिव इन अ वेरी डायनामिक एनवायरनमेंट चेंजेस आर हैपनिंग वेरी फास्ट और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर कंटेम्प्रेरी चेंजेस प्लेस वो चीजें हमें पता हो वी आर अवेयर ऑफ दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन्वेस्टिंग फाइव इयर्स ऑफ अर लाइफ इन डूइंग दिस कोर्स एंड एट द एंड वी हैव टू मेक अ वी हैव टू गो आउट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड वर्क तो जो चीज़ें भी हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल रेलिवेंस रहे इन टाइम्स टू कम That is why institute has recently amended the syllabus and has introduced new subjects like business communication, startups, business data analytics, risk management. These subjects, which words hai, in times to come, we would have an understanding of these uh, names and we would be able to grasp what is happening in the world around. बिकॉज ये सारे टॉपिक्स बहुत हम न्यूज में सुन रहे होंगे आई एम श्योर अभी रिसेंटली एक डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ है स्टार्टअप इज द हॉट टॉपिक नाउ अडेज सो हमारा जो सिलेबस है वो एट पार हो गया इन वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड वेल्प इन टाइम टू कम आई वुड बी टीचिंग यू बिजनेस डाटा अनालिटिक्स ये हमारा सी एम ए इंटरमीडिएट ग्रुप टू पेपर इलेवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स इसका पार्ट है इस पेपर के दो पार्ट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 80% परसेंट वेटेज है एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस बी टीचिंग यू बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एज पर दटीरियल हमारे चार मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल एट नाइन बेस ऑफ आर क्लासेज बिकॉज एट द एंड पेपर स्टडी मेटीरियल में से ही आता है मॉड्यूल एट में बेसिक्स रहेंगे इंट्रोडक्शन रहेगी इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग हम एक सिक्वेंशियल प्रोसेस पढ़ेंगे और वही प्रोसेस के स्टेप्स डिटेल में हम मॉड्यूल नाइन टेन एंड 11 में पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल एट आपको एक होलिस्टिक एक पिक्चर आपके सामने रख देगा जिसका डिटेल एनालिसिस आगे किया जाएगा इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद मॉड्यूल एट ऑल यू हैव टू ड क्लास रेगुलरली हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे बिकॉज इट इज प्योर थ्योरिटिकल वी विल इट विद प्रैक्टिकल केस स्टडीज क्योंकि अगर हम थ्योरी को एज मगेंग रोड लर्निंग की तरह ले लेंगे ले तो ऐट द एंड ऑफ द डे दैट विकम वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन वी वु फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दिंग्स बट वी विल ऑल्सो फोकस कि हम एग्जाम्स में किस तरह से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आई वुड बी टेलिंग यू ट्रिक्स आई वुड बी हेल्पिंग यू आउट हाउ टू मैनेज योर पेपर आई बी देर फॉर यू इन द सब्जेक्ट सो कीप अटेंडिंग द क्लासेज एंड आई एम श्योर विल हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड थैंक यू सो मच